अपराधियों को टिकट, पाकिस्तान की बात और जिन्ना की बात। राजीव राय। सुनील जी, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैं इधर उधर बात नहीं करता हूँ। एक निवेदन था कि एक आंकड़ा जरूर आप दिखा देते कि एडीआर की रिपोर्ट क्या कहती है कि सबसे ज्यादा अपराधी सांसद, विधायक, मंत्री, परसेंटेज और नंबर। नंबर को ये लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से लाते हैं, बोलते हैं कि हमारी संख्या ज्यादा है इसलिए हमारे अपराधियों की संख्या ज्यादा है। वो भी दिखा दीजिएगा प्लीज, अपने प्रोड्यूसर को बोलते स्क्रीन पर, फिर भी खुल जाएगा। सही बात। दूसरे, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अगर आपके आंकड़े बताए हुए आंकड़ों को जिसमें कहा गया कि अपराध बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गया और महंगाई बढ़ गया, अपने तारीफ के मानते हैं, तो मैं प्रदेश की जनता से निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इनकी सोच और मानसिकता देख लीजिए। अगर आपके खिलाफ अपराध बढ़ता है, आपकी बेरोजगारी बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, तो इनको बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है। तीसरी बात, पाकिस्तान और जिन्ना के बारे में, जिन्ना के बारे में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कई बार स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने ये कहा था कि एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग एक जिन्ना बने जो अलग विचारधारा के चले गए और एक पटेल और नेहरू और अन्य लोग बने, जो उदाहरण उन्होंने दिए और कई बार इसको स्पष्ट कर, मतलब राजीव भाई वो जिन्ना की आलोचना कर रहे थे ना अखिलेश यादव। अभी जिन्ना और गोटे इस देश के रोल मॉडल का भी हो ही नहीं सकते किसी के लिए। मुझे कंप्लीट कर ले दीजिए, टू द पॉइंट साहब, टू द पॉइंट कंप्लीट, क्योंकि फिर इनके जो मुद्दे उठाए ना, मैं आपको एक टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज कवरेज दिखा रहा हूँ आपके चैनल पे, पता नहीं कितना साफ आएगा। जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि चाइना इज द बिगेस्ट एनिमी फॉर अस एंड पाकिस्तान, और हिंदुस्तान के खिलाफ आंख उठाकर देखने वाले, ये बिपिन रावत जनरल, लेट बिपिन जनरल रावत साहब ने बोला है, हिंदुस्तान के खिलाफ आंख उठाकर देखने वाला हर दुश्मन, हर देश हमारा दुश्मन है। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था और मोहसिन रजा साहब इतनी तो दरिया दिली दिखाइए कि बुजुर्ग नेता मुलायम सिंह यादव ने सबसे पहले खड़ा होकर सरकार को सपोर्ट किया था। और दूसरी बात, पाकिस्तान के कर्तव्य दो टुकड़े कर दिए जब आप लोग सही नहीं थे। आपके सारंग गांव जो अरुणाचल प्रदेश के आपके एमपी है, 5 बार पार्लियामेंट में खड़ा होकर कह चुके हैं कि चीन हमारे देश में घुस रहा है। समाजवादी पार्टी सुमित अवस्थी एडीवी न्यूज या कोई और नहीं कर रहा है, आपके अपने सांसद अरुणाचल प्रदेश से, गूगल करिए देखिए, 5 बार पार्लियामेंट में बोले हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।